का मशहूर रेस्टोरेंट विरासत, जहां पर राजस्थान का कल्चर सर चढ़कर बोलता है, लेकिन अब बदलते जमाने के साथ विरासत का रूप भी बदला है। अब विरासत के साथ जुड़ गया है सल्तनत, जहां पर युवाओं के लिए भी काफी कुछ है। पिछले कई सालों से विरासत भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां पर खाने पीने का अंदाज है बिल्कुल वैसा जैसे हमारे पुरखों का था। लेकिन बदलते जमाने के साथ अब विरासत के साथ जुड़ गया है सल्तनत का नाम। यहाँ पर है लाइव म्यूजिक, ड्रिंक्स और ढेर सारी एक्टिविटीज जो जयपुर वासियों और युवाओं को काफी आकर्षित करती है। यानी अब विरासत हो गया है कूल कूल, और विरासत से जुड़े हुए लोगों की यही कोशिश है। इसका नाम हमने सल्तनत रखा है, जो कि विरासत को ही अपने आप में रिप्रेजेंट करता है। और ये इसलिए हमें एडिशन की ज़रूरत पड़ी कि विरासत को रॉयल डाइनिंग और हेरिटेज डाइनिंग के लिए तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर या जयपुर के लोकल वाशिंदे और जयपुर में एक रात दो रात बिताने वाले आसपास के शहरों के लोग और डोमेस्टिक टूरिस्ट, इन सब लोगों के लिए कई बार उनको लेजर डाइनिंग भी चाहिए होती है। उनका कई बार कम टाइम होता है उनके पास में पूरा एक्सपीरियंस नहीं करने के लिए, उनको कंफर्टेबल डाइनिंग चाहिए होती है, उनको ड्रिंक्स डाइन और के साथ साथ म्यूज़िक चाहिए होता है, वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक चाहिए होता है। इसलिए हमारे को बहुत टाइम से इसकी नीड लग रही थी कि हमें कस्टमर को ये भी देना होगा, एक सब्स्टिट्यूट देना होगा, जब कस्टमर इस तरह का एक्सपीरियंस भी कर सके। उसके लिए आप देखिए, हमने थोड़ा सा फ्यूजन बनाया है, इट्स अ बिट ट्रेडिशनल, बिट मॉडर्न, थोड़ा सा हमने कलर्स जो हैं बड़े सटल यूज़ किए हुए हैं, नॉट कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। डाइनिंग सेटअप हमने बड़ा कंटेम्प्रेरी लिया हुआ है, म्यूज़िक भी हम बड़ा बॉलीवुड टेस्ट वाला ही रखते हैं, और हमने बार को भी थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा वैसा रखा हुआ है। वैसे सल्तनत में काफ़ी कुछ है जो हैपनिंग है, जो कूल है और आज के ज़माने की ज़रूरत है। युवाओं के लिए हमने बहुत अच्छी, सबसे पहले फूड सीरीज़ और युवाओं के लिए ऑफर्स हम बड़े अच्छे अच्छे निकालते रहते हैं। म्यूज़िक के लिए खासतौर से युवाओं के लिए हमने बड़ा ध्यान रखा हुआ है, युवाओं पे हमने काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं, जिस तरह के गाने, जिस तरह का म्यूज़िक, फ्यूजन और रिप्राइज वर्जन और अनप्लग्ड वगैरह के जो हैं, काफ़ी सारे कलेक्शंस हम इन पे करते रहते हैं अपने सिंगर्स के साथ में, और स्पेशली उनके डाइनिंग एक्सपीरियंस को बड़ा सूदिंग और बड़ा कम्फर्टेबल बनाना, ताकि वो लेट इवनिंग तक, लॉन्ग आवर्स तक बैठ करके और अपने एक जो कहते हैं ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्पाउस, पार्टनर, फ्रेंड, आई मीन इन लोगों के साथ बैठ करके अपने डाइनिंग को और अपने लेजर टाइम को एंजॉय कर सकें। लेकिन साथ साथ विरासत रेस्टोरेंट में अभी भी भारत की सभ्यता, संस्कृति, राजस्थानी रॉयल्टी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वैसे जहां सल्तनत युवाओं को भा रहा है, वहीं पर विरासत में अब नॉन वेजिटेरियन फूड भी सर्व किया जाता है और साथ साथ ड्रिंक्स भी। विरासत एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के तौर पर जाना जाता था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हुआ, और बहुत से लोग, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये यहाँ पर डाइनिंग करने आए, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत महसूस हुई नॉनवेज की, ड्रिंक्स की। वो हमारा बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है, लोगों को तो आज विश्वास भी नहीं होता कि विरासत में नॉनवेज और ड्रिंक्स मिलने लगी हैं, लेकिन उसमें भी हमने स्पेशलाइज़ किया है। जैसे जो चीज़ें नॉनवेज में राजस्थान में ढूंढने आते हैं लोग, जैसे चूरमा दाल बाटी ढूंढते हुए आते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे हांडी मुर्ग, लाल मांस, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढते हुए टूरिस्ट भी और लोकलाइट्स भी ये ढूंढते हुए हमारे पास में आते हैं। हम जयपुर वालों को स्वागत करेंगे, हम डोमेस्टिक टूरिस्ट का स्वागत करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है यंगस्टर्स से भी कि वो अपने संस्कृति को, अपनी विरासत को तो प्यार करें ही करें, लेकिन विरासत के नए रूप को देखने के लिए, मॉडर्न रूप को देखने के लिए भी ज़रूर आएं। कुल मिलाकर जयपुर वासियों के लिए अब विरासत काफ़ी कुछ लेकर आया है, तो आप जयपुर आएं तो विरासत और सल्तनत में आपको मिलेगा आपके लिए सब कुछ। आज तक ब्यूरो।